इंटीग्रेशन के फॉर्मुलों की बात करें तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स एन का एक्स एस की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है, और वन अपॉन एक्स का लॉग ए और वन अपॉन रूट एक्स का टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस का वन अपॉन एक्स। देखिए, अगर आपको लगता है ना किसी भी फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, अगर ये आ जाए तो इसका मतलब सही है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, टू एक्स, टू से टू कैंसिल तो बचा सिर्फ एक्स, एक्स क्यूब का करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री से थ्री कैंसिल बचा एक्स स्क्वायर, अगर इसका करेंगे तो एन प्लस वन एक्स एन, तो एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, लॉग एक्स का करेंगे वन अपॉन एक्स, रूट एक्स का करेंगे वन अपॉन टू रूट एक्स, और वन अपॉन एक्स का करेंगे तो माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी पहले से ही माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ रिवर्स है, आपके पास आंसर आ गया है, आपको क्वेश्चन निकालना है। कुछ और इंस्ट्रक्शन आपको दूं तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई भी बच्चा मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सर इसका इंटीग्रेशन करना जरा, जब तक आप मुझे प्रिंटेड फॉर्म में वो क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा नहीं। क्योंकि जिस तरह से हर क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन सबका निकालना संभव नहीं है। मान लो किसी चीज को सॉल्व करके आज तक साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ही वो ही नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, तो अगर किसी का आंसर आज तक साइन इनवर्स एक्स नहीं आया तो उसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इंटीग्रेशन हमेशा निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए जब भी आप लोग मुझसे कभी क्वेश्चन पूछना चाहें एक्स्ट्रा तो आपको श्योर करना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा सर ये देखो इस बुक में ऐसा क्वेश्चन है, तो फिर मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। वैसे मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि कब क्या होता है। इनसे अलग आप लोग अगर नोट कर रहे हो, एक अजीब सी दिक्कत यह है कि सब में सी लगा जा रहा है, सी के बारे में बताते हैं अभी। उससे पहले हाँ, कॉन्स्टेंट तो है बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, प्लस में आया सी, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस सॉरी साइन एक्स प्लस सी, और अगर मैं देखूं sec square x किसका डिफरेंशिएशन होता था tan x का, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x, अगर मैं cos x square x की बात करूं तो माइनस का cot x प्लस c। इस तरीके से आगे चलते जाते हैं और हमारे पास आता है फिर sec x के साथ tan x। देखिए sec x tan x किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec x का, और cos x cot x माइनस cos x का। अगर कभी आपका सामना जस्ट tan x से हो जाए, जो जल्दी तो नहीं होगा, ये हो जाएगा log cos x या log sec x, और अगर आपका सामना कभी cot x से हुआ तो cot x का होता है log sin x, ठीक है। और भी बहुत फॉर्मूले हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, अभी एक फॉर्मूला तो मुझे याद आ रहा है जो करना ही पड़ेगा आपको, ex, ex का होता है ex, और एक और होता है एनी नंबर, a का मतलब होता है एनी नंबर, a रेस टू पावर x का हो जाता है a रेस टू पावर x अपॉन log a, प्लस में आ गया c। इसमें कोई u इंटू v नहीं है, u अपॉन v नहीं है, ठीक है, बॉक्स रूल नहीं है, ठीक है, बॉक्स रूल नहीं है, कभी आप सोचें तो। शुरुआत करते हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी लेकिन उससे पहले ये सी का क्या चक्कर है उसे समझा देते हैं। देखो मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन किस चीज का रिवर्स प्रोसेस है, सही बात है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है वन, तो वन का इंटीग्रेशन करने पे एक्स आना चाहिए। अब हमने क्या करा, हमने एक्स लिखा, एक्स माइनस वन लिखा, एक्स प्लस थ्री बाई टू लिखा,
और एक्स प्लस वन टू थ्री फोर फाइव नाइन लिखा, मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो आया वन, इसका डिफरेंशिएशन कराया वन, इसका डिफरेंशिएशन कराया वन, इसका डिफरेंशिएशन कराया वन। अब अगर मैं वन का इंटीग्रेशन करूँ तो यही आंसर आना चाहिए। अभी वन का इंटीग्रेशन करने पे क्या आ रहा है, एक्स माइनस वन तो नहीं आया, इसका भी करें तब भी एक्स, इसका भी करें तब भी एक्स। क्या जो कांस्टेंट हमारे डिफरेंशिएशन के टाइम पर थे क्या वो आ रहे हैं, नहीं आएगा, जबकि इंटीग्रेशन तो रिवर्स प्रोसेस है, आना चाहिए था ना इनको, ये क्यों नहीं आ पा रहे भाई। कोई भी कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया होगा, जीरो हुआ होगा भाई, चाहे वो माइनस वन था तब भी जीरो हो गया था, चाहे वो थ्री बाई टू था तब भी जीरो हो गया था, वो इतना बड़ा नंबर था वो तब भी जीरो हो गया था। अब इंटीग्रेशन करते वक्त मुझे ये थोड़ी पता था ये जीरो किसकी वजह से आया है, तो ये कांस्टेंट, ये जो सी है, ये उन कांस्टेंट्स की याद में एक श्रद्धांजलि के तौर पर लगाया जाता है कि ये उन लोगों के लिए हमारी श्रद्धांजलि है जो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के दौरान शहीद हो गए हैं। हमें पता नहीं है कौन कौन मारे गए, लेकिन हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं सी लगाकर। समझ में आ गई बात, तो क्यों ये सी लगाया जा रहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, और डिफरेंशिएशन में शहीद होने वालों का यही सी एक निशान होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, सी क्यों लग रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट हम लोग गेन नहीं कर पाते, फाइंड नहीं कर पाते इंटीग्रेशन प्रोसेस के दौरान, तो हम उन सबके लिए एक मार्क लगा देते हैं सी। अगर वो थे तो सी है, अगर वो नहीं थे तो सी की वैल्यू जीरो हो जाती है। क्या जीरो भी तो एक कांस्टेंट है, तो सबके लिए हम सी यूज कर लेते हैं। प्रोसेस सही में आया, ठीक है, वेरी गुड। अब हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। थोड़ी दिक्कत आएगी, शुरुआत मुश्किल है। हम सिर्फ एक, मैंने क्या कहा था, हम लोग श्रद्धांजलि स्वरूप एक सी लगा देते हैं, एक सी बस। कितने थे, कितने नहीं थे, 50 थे, 1000 थे तो कांस्टेंट, तो हम सब एक प्रतीक के स्वरूप उनकी याद में एक सी लगा देते हैं, ये थे जो भी थे। अब कौन कौन युद्ध में शहीद हुआ उन सबके लिए हम एक सी लगा देते हैं। सही में आ गया। क्वेश्चन नंबर वन, वर्कशीट नंबर वन, वर्कशीट नंबर वन हमारे पास है 4x^5। याद रखिए डिफरेंशिएशन की तरह ही इसमें भी हमारे पास जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होते हैं, ना तो हम उन्हें कुछ कहते हैं ना वो हमें कुछ कहते हैं, ये x की पावर है। और जब भी पावर हो तो लगाओ बढ़ाओ रूल। कौन सा रूल? बढ़ाओ रूल। पावर को बढ़ाओ, जो बढ़ के आए उसे ही नीचे ले आओ, साथ में शहीदों के लिए सी। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, ये है हमारे पास 2 sin x के साथ dx। क्या मेरे पास ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला है? यस, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, प्लस में आया सी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में है हमारे पास 1/2 sec² x और dx। आप देखिए, क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास? यस। कितना है? 10x, साथ में आ गया सी। एक क्या है? 1/2। ये तो एक फॉर्मेलिटी ही रहेगी, इसको लेके नो हार्ड फीलिंग, कोई दिल पे नहीं लेगा सी को लेके, ठीक है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ ही था ये, तो थर्ड रह गया। अभी थर्ड कराते हैं, ये है हमारे सम्मुख 3^x + 2। इसे हम लिख सकते हैं 3^x और 3^2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये हो गया 3^x। सोचो कि ये 3 नहीं है, ये तो एनी नंबर है, तो a^x का क्या होता है? a^x। तो ये मेरे पास 9 पहले से ही है, तो a^x का a^x अपॉन log a, और शहीदों के लिए एक सी।
देखिए, आप कुछ उन्हें नहीं दे सकते, एक श्रद्धांजलि तो दे ही सकते हैं। एक्स क्यूब है और 5x² है, माइनस का 4 है, प्लस में 7/x है और 2/√x है, साथ में क्या है dx, राइट। आप देखिए ये 5 है, आप इन्हें सेपरेट देखें, शुरुआत में ज्यादा स्टंटबाजी नहीं, ठीक है। साइकिल चलानी आपको आई नहीं है और हाथ छोड़ के और पैर छोड़ के चलाने की बात कर रहे हैं, ऐसा काम कोई बालक नहीं करेगा और बालिकाएं भी नहीं करेंगी। हमारे पास ये आया, 4 को बाहर लिखा, 1 लिखा, भाई 1 क्यों लिखा, 1 का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। और याद रखना, आप लोग तब तक फॉर्मूला लगाओगे नहीं जब तक वो बिल्कुल सेम फॉर्मूला बनेगा नहीं। बिल्कुल सेम बोला है, बिल्कुल सेम, चेक करते हैं बिल्कुल सेम बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए ये बिल्कुल सेम बन रहा है या नहीं, ठीक है, इसे देखो बिल्कुल सेम ऐसा है या नहीं, बिल्कुल सेम ये है या नहीं, और बिल्कुल सेम ए रेस्ट टू पावर एक्स है या नहीं। तो एन की जगह कोई कॉन्स्टेंट आ सकता है, ए की जगह कोई नंबर आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? अब आप देखिए, मैंने 4 भी नहीं लिखा, 4 को बाहर लिखा, समीर बचा क्या 1, और मैंने 7 को साइड में लिखा तो बचा क्या 1/x, मैंने 2 को भी साइड में लिखा बना 1/√x के साथ में क्या आया dx। ये x की पावर है, मतलब x की पावर n, अब पावर हो तो लगाओ बढ़ाओ √, और ये x की पावर 2 है, पावर है तो लगाओ बढ़ाओ √। 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, 1/x का लिखा हुआ है क्या log x, और 1/√x का क्या है 2√x, और एक आ गया c। ये हुआ 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, यहां से दुनिया बदलती है तुम्हारी थोड़ी थोड़ी। ये x क्यूब है, 5x² है, साथ में 4x है, प्लस में 1 है, और अपॉन में x² के साथ dx है। मुझे ये बताओ आप लोग, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? अपॉन के लिए मैंने कोई फॉर्मूला बताया आपको, u अपॉन v? तो जब तक डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा नहीं तब तक हम इंटीग्रेशन करेंगे नहीं। तो अब हमारा एम ये होता है इंटीग्रेशन में, किसी भी तरह से पूरे की पूरी 33 के 33 वर्कशीट में एक ही बात कहूंगा कि किसी भी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट करना है जिससे कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए, बिल्कुल फॉर्मूला बन जाए, सेम फॉर्मूला बन जाए, क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे नहीं। तो आओ कोशिश करते हैं, भाई मैंने सोचा इनको अपॉन में लिख लेता हूं, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, और 5x² अपॉन x², और 4x अपॉन x² और 1/x², साथ में क्या है dx। अब 5 आया तो बचा 1, 4 लग गया बचा 1/x, और साथ में आया 1/x², साथ में क्या है dx। जरा देखो क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बन रहे। अब देखो ये x का है कोई फॉर्मूला, क्या होता है x² / 2, 1 का है कुछ डायरेक्ट है, बिल्कुल कोई चेंज तो नहीं करना पड़ रहा। आप देखो 1/x का डायरेक्ट है या नहीं log x, और 1/x² का डायरेक्ट लिखा हुआ है नहीं, साथ में आ गया c। सही में आई बात याद है या नहीं आई, नोट करो। 1 - x के साथ √x और आ गया dx। देखिए ऐसा डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, जब तक डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा नहीं तब तक हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया √x, अच्छा और देखे तो कितना आ गया x के साथ √x, और ये बन गया dx। है कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, तो थोड़ा सा इसे बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में लाओ, एज इट इज, जैसा फॉर्मूला होता है तभी। x√x का कोई फॉर्मूला बताया हुआ है क्या? तो हमने इसे पहले 1 लिखा, 1/2 लिखा। देखो तुम्हें इंटीग्रेशन आता है किसी नंबर का तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को सारा इंटीग्रेशन आ गया। अगर पूरा प्रोसेस ढंग से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में क्लियर नहीं हुआ, अब जरा देखो क्या इसे मैं एन मान सकता हूं या नहीं, क्योंकि ये एन बन सकता है इसलिए इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई किया जा सकता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ना बने तब तक इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे। और एक्स की कोई भी पावर हो तो क्या हो जाता है, पावर हो तो कौन सा रूल लगेगा ओके
तो 1/2 के साथ आ गया 1। अब यहां देखो x की कितनी पावर है, 3/2, प्लस में 1 आया, प्लस में 1 आया, साथ में c। तो इस क्वेश्चन में भी देखो, यहां पर नहीं लगाया, यहां पर भी नहीं लगाया, यहां पे भी नहीं लगाया, यहां लगाया, क्योंकि यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था। ये क्या बन रहा था मेरा, n, इसलिए लगा पाए। तो पूरे इंटीग्रेशन में यही ध्यान रखना पड़ेगा। अभी देखते हैं, क्वेश्चन और आ रहा है। ओके, सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, रूट एक्स के साथ 1/√x का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, dA। जरा देखना क्या ऐसा फॉर्मूला है कोई मेरे पास, ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। सोच के देखो, ऐसा बिल्कुल सेम कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, नहीं। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो रूट एक्स का स्क्वायर x, 1/√x का 1/x, और साथ में आ गया 2a और b, साथ में आ गया dx, रूट एक्स से रूट एक्स, सबको सेपरेट करो। और देखो शुरुआत में तो कोई जल्दबाजी मत करना, और ये देखते रहना कि हम इसका इंटीग्रेशन क्यों कर पाए। और हमेशा ये जवाब मिलेगा, हम इंटीग्रेशन इसलिए कर पाए क्योंकि वो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा था। ये सीखना है तुम्हें कि जब तक डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा, हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप देखो x का होता है क्या, x स्क्वायर बाय 2, 1/x का है क्या हमारे पास, log x, और 1 का होता है क्या, x, साथ में आ गया c। सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पावर 3, और साथ में क्या आया, dx। देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² के साथ में क्या है, dx। अब देखो मैं इसे सेपरेट सेपरेट लिखता हूं, तो ये बन गया x^6, ये बन गया x^-6, यहां से बचा एक्स का स्क्वायर, और यहां से बचा 1/x², और साथ में क्या है, dx। हम एक एक को एग्जामिन करेंगे। जरा देखो x की पावर आता है या नहीं, x की पावर यस, x की पावर यस, और ये 1/x² करो, मैंने डायरेक्ट भी लिखा हुआ है। तो सारे के सारे डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं, तो इसका लग वक्त आ गया हम इंटीग्रेशन करें। और x की पावर 6 का हो जाएगा x की पावर 7/7, और ये है x की पावर -6+1/-6+1, और x की पावर 3/3, और इसका हो जाता है माइनस का 1/x, प्लस में आ गया c। कुछ कुछ है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है 1+x का स्क्वायर, अपॉन में है √x, और साथ में है dx। देखिए इस तरह का भी कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सोचा पहले होल स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² b² अपॉन 2ab, और इस रूट एक्स को लिख सकते हैं x^2½। अगर मैं इसे सेपरेट लिखूं तो ये 1/x^2½, x^2 / x^2½, 2x / x^2½, साथ में क्या आया, dx। अब और थोड़ा सा अच्छा सा लिखें तो रूट एक्स लिखा जा सकता है इसको, और देख लो ये हाफ पावर ऊपर गई, तो ये कितनी बन गई, x^3/2, और यहां पर ये x की पावर बची हाफ और dx। 1/√x का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट पता है कितना होता है, 2√x, और ये है x की कोई पावर, मतलब नंबर, नंबर होगा तो लगाएंगे पावर रूल, हो गया 3/2+1 और 3/2+1, और यहां पर भी x की पावर हाफ है, हाफ है तो बन गया हाफ प्लस 1, और हाफ प्लस 1 साथ में आ गया एक c। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड का सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें नजर आ रहा है x^3 x^2 + x - 1/(x - 1). हम हमेशा ये चाहते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्म बने, तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां से कॉमन लिया अपना x², बचा क्या है x - 1, फिर लिया हमने 1 कॉमन, तो बचा क्या है x - 1। अब पूरे में से कॉमन आ रहा है x - 1, और साथ में बचा है
x square plus 1, अपॉन में क्या आया x minus 1 और dx, तो ये बन गया मेरे पास x square का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन। देखो इस स्टेप तक, यहां तक हमने किसी भी लेवल पर इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचा नहीं, अब सोच रहे हैं क्यों, क्योंकि अब बन रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला, यही इंटीग्रेशन है बस। आपको 33 की 33 वर्कशीट में यही सीखना है कि हम इंटीग्रेशन के लायक उसे बना पाए, हम उसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बना पाए, चाहे वो सिंप्लीफाई करके आए, चाहे वो फैक्टर करके आए, चाहे वो रैशनलाइज करके आए, आगे चल के चाहे वो कोई फॉर्मूला यूज करके आए या वो टी मान के आए, वो आगे की कहानी है। एम सिर्फ एक है कि फॉर्मूला डायरेक्ट बनना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 3, वर्कशीट 1 का ही क्वेश्चन है। हमारे पास है x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। देखिए इंटीग्रेशन में हमने पहले भी कई बार कहा है कि जब तक डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनेगा नहीं तब तक हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे नहीं। अब हम फैक्टराइज करें, रैशनलाइज करें, क्या करें जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। पहले मैं बताऊंगा, डिवाइड ही नहीं बताऊंगा, पहले मैं वो बताऊंगा जो आपको बताया नहीं जाता, पहले वो बताएंगे जो आपको बताया नहीं जाता। हमारे पास ये है x4, क्या मैं x square की जगह मैंने 2x square लिखा, क्या मैं x square की जगह 2x square लिख सकता हूँ? नहीं। यस सर, कौन कह रहा है? ठीक है, लेकिन मैंने अगर माइनस का x square लिखा तो मुझे आप ये बताएं कि इफेक्टिवली 2x square माइनस x square कितना हो गया? x square। तो x square लिखा है, मैंने कुछ बदला तो नहीं है, मैंने 5 की जगह 6 माइनस 1 लिख दिया है, सही बात है। अब मैं अगर इस पर ध्यान दूं तो ये है हमारे पास x square plus 1 का होल स्क्वायर माइनस का x square, और ये है x square minus x plus 1 और dx, a square minus b square, क्या होता है a plus b और a minus b, अपॉन में है x square minus x और plus 1 और आया dx। अब जरा देखो जब ये कैंसिल हो ही गया है तो मेरे पास बचा है x square, मेरे पास बचा है 1, मेरे पास बचा है x, क्या इन तीनों के इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है? यस। तो अब x की कोई पावर है तो ये बन जाएगा x cube by 3, 1 का हो गया x, x का हो गया x square by 2, साथ में आ गया c। अब बात करते हैं श्री वकुल अग्रवाल जी के डिवीजन वाले बात फॉर्मूले की, ठीक है। इसमें इन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, लेकिन मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना होता है तो इसलिए ये मेथड बताया, थोड़ा क्विक भी हुआ, ये जल्दी हुआ। आप देखो इंटीग्रेशन में होता क्या है कि एक चीज होती है रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कुछ अपॉन की चीज, अपॉन वाली चीज में एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल का मतलब होता है x की पावर वाला साइन कॉस लॉग टेन नहीं, सिर्फ x की पावर वाला, तो अगर न्यूमरेटर पॉलीनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलीनोमियल है तो न्यूमरेटर में x की सबसे बड़ी पावर को न्यूमरेटर की डिग्री कहते हैं। आप देख के बताओ न्यूमरेटर में x की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। तो 4 न्यूमरेटर की डिग्री है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। इंटीग्रेशन में जब भी रैशनल एक्सप्रेशन मतलब अपॉन वाला क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हमेशा कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अभी न्यूमरेटर की डिग्री है 4 और डिनोमिनेटर की है 2, तो 2 से कम होनी चाहिए थी जबकि कितनी है ये 4, ये तो ज्यादा है और बहुत ज्यादा, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो आपके पास ये फैसिलिटी होती है कि आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें। तो डिवीजन देखते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 4, x की पावर 2 और ये है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यहां से आया x स्क्वायर तो आ गया x की पावर 4, x स्क्वायर की यहां पे मल्टीप्लाई करी तो माइनस का x क्यूब
और एक्स स्क्वायर की वन में करी तो आया एक्स स्क्वायर, ये माइनस आया प्लस आया कैंसिल, यहां से भी ये कैंसिल, बचा क्या है एक्स क्यूब प्लस वन। अब देखो मैंने यहाँ पर x लिखा तो ये आ गया एक्स क्यूब, यहाँ पे करें तो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर करें तो आ गया प्लस में x। अब देखो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, तो बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक्स और प्लस का वन, क्या ये बन जा रहा है? यस। तो यहाँ पर मेरे पास आया कैंसिल होके जीरो, तो मैं ये कह सकता हूँ इसको इससे डिवाइड करने पर मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, जितनी मेहनत थी डिवीजन में हो गई। अब मेरे पास ये एक्स स्क्वायर है, एक्स के साथ डी एक्स है और वन के साथ डी एक्स है। जरा देखो क्या तीनों के फॉर्मूले हमें पता है या नहीं, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और वन का हो जाएगा एक्स, और साथ में आ जाएगा सी। सही में आ गया, इक्वल भी होगी, इक्वल भी होगी तो डिवाइड हो जाएगा। और सुनो भाई करण का, करण की बात भी बढ़िया है, अगर कभी डिवाइड ना हो पाए तो इस चीज को आप लिख सकते हो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये डिवाइजर है ठीक है। आप ये देखो जैसे 37 को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, 4 9 जा 36, डिवाइड तो नहीं हुआ, तो क्या मैं 37 को लिख सकता हूँ 9 प्लस 1 अपॉन 4, सेम ठीक है। अगर डिवाइड हो रहा तो अच्छी बात है, वरना रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, जो नहीं हुआ उसे राइट। 11 क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, और हम डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं, हमने प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। हम लोग आज सीख क्या रहे हैं, ट्रिगो की डिफरेंट टेक्निक्स क्या क्या किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन, रैशलाइजेशन और एडजस्टमेंट। तो अब 1 प्लस साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और 1 के अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये तो 1 हो गया। और अगर देखें तो ये तो दो क्वेश्चन बना दिए हमने, एक तो सिंपल 1 हो गया और एक ये वो हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 1 के साथ साइन आ जाए तो विदाउट एनी सेकंड थॉट हम लोग साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास 1 के साथ डी एक्स है और न्यूमरेटर में आया 1 माइनस साइन एक्स है, और डिनोमिनेटर में आया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, सही है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1 के साथ डी एक्स का, 1 माइनस साइन एक्स का अपॉन में आया है कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमें 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, हमें साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे टेन एक्स के साथ, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अच्छा ये माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, तो बन गया आपके पास टेन एक्स और आ गया साथ में सेक एक्स प्लस में सी। हमें ब्रैकेट लगाना चाहिए था तो अच्छा रहता। 12th क्वेश्चन में सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, आपको बताया था 1 के साथ साइन हो, 1 के साथ कॉस हो, सेक के साथ टेन हो, कॉस के साथ कॉट हो, तो अगर कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल चाहते इजीली लोड ना पड़े तुम पर भी और एग्जामिनर पर भी, तो आप लोग सीधे इस तरीके से सॉल्व करें जो बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और न्यूमरेटर में आया sec स्क्वायर x के साथ sec x और tan x, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपको इंटीग्रेशन करना है जस्ट sec स्क्वायर का
sec x के साथ tan x का sec square का इंटीग्रेशन tan x माइनस sec x प्लस c।